हरियाणा फरीदाबाद सेक्टर 55 गांव प्रतापगढ़ में बघेल समाज युवा संगठन के द्वारा सामूहिक विवाह सर्वजातीय विवाह कार्यक्रम किया गया। 17 फरवरी 2018 प्रातः अहिल्लाबाई होलकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। सामूहिक विवाह में 13 वर वधुओं की एक साथ अलग अलग मंडप में शादी कराई गई। वह संस्था की तरफ से हर विवाहित जोड़े को कन्यादान के रूप में गहने, वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर व अन्य घरेलू सामान दिया गया। विदाई के समय सभी रिक्शा को डोली की तरह सजाकर लाया गया। वह सभी दुल्हनों को ई रिक्शा से विदाई कराई गई। ई रिक्शा से विदाई कराने का एक ही मकसद था कि पोल्यूशन कम होना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध रहे। संस्था के सदस्यों ने बताया, संस्था सामूहिक विवाह के साथ साथ सिलाई कढ़ाई व प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जैसे कार्यक्रम समय समय पर कराती रहती है। संस्था के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से समस्त क्षेत्र को जागरूकता अभियान के तहत जानकारी देते हैं। संस्था ने इस कार्यक्रम में उन बेटियों को भी सम्मानित किया व प्रमाण पत्र भेंट कर उनका मार्गदर्शन किया, जिन्होंने संस्था के सेंटरों पर सिलाई कढ़ाई व अन्य प्रशिक्षण लिए हैं। मंच का संचालन एडवोकेट गंगाराम बघेल द्वारा किया गया। वह कार्यक्रम में हरियाणा संगीत का भी मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। हरियाणा संगीत ने समा बांधे रखा और सभी का मन बहलाए रखा। वह सभी ने नाच कूद कर विवाह समारोह का आनंद उठाया। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है फरीदाबाद, और यहाँ पर 13 जोड़ों की सामूहिक विवाह किया जा रहा है, जो बघेल समाज युवा संगठन रजिस्टर्ड है ये, और ये समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम होते हैं और समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने का वो बीड़ा उठा रहे हैं। उसी को देखते हुए ये संगठन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि समाज से दहेज को ख़त्म किया जाए, और इसी पर बात करेंगे हम यहाँ के जो संस्था के संस्थापक हैं और कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर जो प्रोग्राम में जो भी लोग आए उनसे भी जानेंगे उनके बारे में कि यहाँ संगठन किस किस तरह से कार्य कर रहा है। मेरा नाम राम शरण रौतेला वकील है। ये जो है सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है युवाओं के संगठन के द्वारा समाज में दहेज प्रथा को कम करने के लिए एवं सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए, ऊंच नीच की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज सर्व जातियों में 13 जोड़े विवाह संस्कार में बने हैं। कन्यादान में यहाँ 3-4 आइटम सोने और चांदी के, 5 जोड़ी कपड़े और ग्रस्त का सामान, बेड है, गैस सिलेंडर है, सिलाई मशीन है, टेबल फैन है, अलमारी है, और छोटे मोटे जो रसोई के बर्तन हैं 51 जैसे कपड़े हैं 5 जोड़ी। इस तरीके से गृहस्थी का जो प्रारंभिक रूप में सामान दिया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का सामान दिया गया। मेरा नाम घनश्याम बघेल है सर। जो ये बघेल समाज युवा संगठन का अध्यक्ष, गरीबों के हित में जितने भी मैक्सिमम काम हो सकते हैं वो करते हैं। जैसे आपने पूर्व में हमारे वकील साहब बता के गए हैं जी, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र 2011 से रेगुलर चला आ रहा है, लगभग 400 लड़कियों का लगभग अब तक हमारे प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अपना रोजगार या अपनी बढ़िया नौकरी कर रही हैं। मैं वीरेंद्र सिंह चंदेल, इसके थ्रू हम सब समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक मंच के नीचे आए, कि जो दहेज प्रथा की जो बुरी बीमारी है, जो आदमी को अंदर घर को बिल्कुल खोखला कर देती है, हम उस चीज़ को अपने समाज से जो है दूर करना चाहते हैं। मेरा नाम रायलाल बघेल है। दो मेन उद्देश्य है, एक तो दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, दूसरा जो जातिवाद पूरे देश में फैला हुआ है इसको बिल्कुल ख़त्म करना, जो कि एक ही मंच पर
सारे सभी बिरादरी के वर कन्या आए और जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो, मेन हमारा उद्देश्य है। और दूसरा, जब दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो जिससे हमारे और बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई और बच्चों की पूरी ऐसी सुचारू रूप से हो जाए। लक्ष्मण सिंह बघेल आज दो कार्य किए हैं, एक तो अपना सर्व जाति सामूहिक विवाह, इसके माध्यम से हम समाज में संदेश देना चाहते हैं कि सभी भाई हैं, जातिवाद का जो विष समाज में फैला हुआ है उससे ऊंच नीच की भावना पनपती है, उस ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए हमने सर्व जाति सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा है। मैं वार्ड नंबर एक से मुकेश डागर मेरा नाम है। ये हमारे युवाओं ने अपना संगठन बनाया हुआ है और ये संगठन जरूर बघेल सभा समाज का है, लेकिन इसमें सर्व जाति के लिए आवेदन दिए जाते हैं। इसमें कोई जाति विशेष या ऐसा कोई वो नहीं होता कि वही आवेदन कर सकता है, इसमें कोई भी जाति से अपना आवेदन कर सकता है और इस विवाह सम्मेलन का अपना फ़ायदा उठा सकता है। उदयवीर बघेल, मैं मोहना गाँव से आया हूँ। मैं पिछले तीन साल से आयोजन होता है, हर सामूहिक विवाह में आता हूँ और बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। संस्था के माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से सामूहिक विवाह करने चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो जो दहेज प्रथा है उस पर अंकुश लगे और समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर के सामाजिक कार्यक्रम में एक भव्य आयोजन हो सके, बेटी का कन्यादान करें और उसमें सब समाज के लोग आते हैं और अपना अपना कन्यादान जैसी जिसकी श्रद्धा होती है देते हैं। मेरा नाम भागमल पाली है, दिल्ली से हूँ। मैं समाज सेवा को करना बहुत अच्छा समझता हूँ और हर प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो है आते हैं और अपना जो बच्चों को आशीर्वाद जो आप सामूहिक विवाह कराते हैं और ये बहुत बड़ा नेक काम है समाज का। क्या इससे दहेज प्रथा पे अंकुश लग पाएगा? लगना तो चाहिए, इस हिसाब से लगना चाहिए और बहुत ही अच्छा। जिसने भी ये किया था, जिसकी भी सोच है, मैं उसको सलाम करती हूँ।